हम सभी भारतीय लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। इसी के कारण विदेशी आक्रांताओं और अंग्रेजों ने इस देश को अपना गुलाम बनाया था और अपार संपत्ति इस देश से लूट कर ले गए थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारत को सोने की चिड़िया किन तथ्यों के आधार पर कहा जाता था। प्राचीन भारत वैश्विक व्यापार का केंद्र था। प्राचीन काल में भारत खाद्य पदार्थों, कपास, रत्न, हीरे इत्यादि के निर्यात में विश्व में सबसे आगे था। भारत उस समय विश्व का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र था। कुछ लोग मानते हैं कि भारत प्राचीन काल में केवल मसालों के निर्यात में आगे था। उनकी जानकारी के लिए यह बताना जरूरी है कि भारत मसालों के अलावा कई अन्य उत्पादों के निर्यात में भी अग्रणी देश था। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं भोजन, कपास, चावल, गेहूं, चीनी, जबकि मसालों में मुख्य रूप से हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, जटामानसी इत्यादि शामिल थे। इसके अलावा आलू, नील, तिल का तेल, हीरे, नीलमणि आदि के साथ साथ पशु उत्पाद, रेशम, चर्म पत्र, शराब और धातु उत्पाद जैसे ज्वेलरी, चांदी के बने पदार्थ आदि निर्यात किए जाते थे। आयात की जाने वाली वस्तुएं सोने के रोमन सिक्के, कांच के बने पदार्थ, शराब, दवाएं, टिन, तांबे, चांदी के बने आभूषण, कपड़े आदि। 1000 वर्षों के मुगल या अन्य आक्रमणकारियों के शासन के बाद भी विश्व की जीडीपी में भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान 25% के बराबर था। इसी समय में अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था, लेकिन जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान मात्र 2-3% रह गया था। लेकिन आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मुगलों के शासन शुरू करने से पहले भारत 1 ईस्वी और 1000 ईस्वी के बीच दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जब मुगलों ने 1526 से 1793 के बीच भारत में शासन किया, इस समय भारत की आय 17.5 मिलियन पाउंड थी, जो ग्रेट ब्रिटेन की आय से अधिक थी। वर्ष 1600 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1305 थी, जबकि इसी समय ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1137, अमेरिका की प्रति व्यक्ति जीडीपी $897 और चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी $940 थी। इतिहास बताता है कि मीर जाफर ने 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3.9 मिलियन पाउंड का भुगतान किया था। यह तथ्य भारत की संपन्नता को दर्शाने के लिए बड़ा सबूत है। 1500 ईस्वी के आसपास दुनिया की आय में भारत की हिस्सेदारी 24.5% थी, जो कि पूरे यूरोप की आय के बराबर थी। 600 ईसा पूर्व के आसपास महाजनपदों ने चांदी के सिक्के के साथ सिक्का प्रणाली शुरू की थी। ग्रीक के साथ साथ पैसे पर आधारित व्यापार को अपनाने वाले पहले देशों में भारत का स्थान अग्रणी था। लगभग 350 ईसा पूर्व चाणक्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य के लिए आर्थिक संरचना की नींव डाली थी। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था वो मयूर सिंहासन था। इस सिंहासन की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करती है। कहा जाता है कि इस सिंहासन को बनाने के लिए जितना धन लगाया गया था उतने धन में 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन साल 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार मयूर सिंहासन को बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोना और बेशकीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया था। मयूर सिंहासन की कीमत उसमें लगे कोहिनूर हीरे के कारण बहुत बढ़ गई थी। आज के जमाने में मयूर सिंहासन की अनुमानित कीमत 450 करोड़ रुपए की होती है। इतना कीमती होने के कारण ही नादिर शाह इसे लूट कर ले गया था। कोहिनूर हीरा का वजन 21.6 ग्राम है और बाजार में इसकी वर्तमान कीमत $1 अरब की लगभग आंकी जाती है। यह हीरा गोलकुंडा की खदान से मिला था और दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश को इसका प्राथमिक हकदार माना जाता है। आजकल यह ब्रिटेन के महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। महमूद गजनी का सोमनाथ के मंदिर पर हमला करने के पीछे 2 सबसे बड़े उद्देश्य थे, एक इस्लाम का प्रचार करना और दूसरा भारत से धन की लूट करना। महमूद गजनी ने नवंबर 1001 में पेशावर के युद्ध में जयपाल को हराया था, जो 964 से 1001 ईस्वी तक हिंदू शाही राजवंश के शासक थे। गजनी ने इस युद्ध में किले से 400,000 सोने के सिक्के लूटे और एक सिक्के का वजन 120 ग्राम था। इसके अलावा उसने राजा के लड़कों और राजा जयपाल को छोड़ने के लिए भी 4.5 लाख सोने के सिक्के लिए थे। इस प्रकार उसने आज के समय के हिसाब से लगभग $1 अरब की लूट सिर्फ राजा जयपाल के यहाँ की थी, जबकि इस समय भारत में जयपाल जैसे बहुत से धनी राजा।
सन 1025 में महमूद ने गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर लूट लिया और इसकी ज्योतिर्लिंग तोड़ दी थी। इस आक्रमण से उसने 2 मिलियन दीनारों की लूट की, जिसकी अनुमानित कीमत आज की तारीख में 45 करोड़ रुपए के लगभग बैठती है। उस समय के हिसाब से यह बहुत बड़ी लूट थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कुछ समय पहले एक आकलन में कहा था कि भारत में अभी भी 22,000 टन सोना लोगों के पास है, जिसमें लगभग 3,000 से 4,000 टन सोना भारत के मंदिरों में अभी भी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के 13 मंदिरों के पास भारत के सभी अरबपतियों से भी ज्यादा धन है। यदि मंदिरों के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत कल भी सोने की चिड़िया थी और आज भी है। भारत के कुछ मंदिरों में इतना सोना रखा हुआ है कि कुछ राज्यों की पूरी आय भी मंदिरों की आय से कम है। अगर वर्ष 2018 से 19 के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि केरल सरकार की वार्षिक आय 1.03 लाख करोड़ है, जो कि केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के किसी गर्भगृह के एक कोने में ही मिल जाएगा। उपयुक्त आंकड़े सिद्ध करते हैं कि प्राचीन भारत में अकूत संपत्ति थी, जिसके कारण यहां पर विदेशी आक्रमणकारियों के हमले होते रहे थे। लेकिन अगर बीते समय को छोड़कर वर्तमान में देखा जाए तो भारत की स्थिति विकसित देशों की तुलना में निश्चित रूप से खराब है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत पूरे विश्व में बहुत तेजी से अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा है, और वह समय बहुत जल्द आएगा जब लोग इस देश को फिर सोने की चिड़िया के नाम से बुलाएंगे।